आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी के अंदर बैंकिंग फीचर्स में आज आपके साथ हम पोस्ट डेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ चेक प्रिंटिंग। अब तक हम आपके साथ बैंकिंग फीचर्स में दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला हमने आपके साथ बैंक रिकंसिलिएशन और साथ साथ बैंक इंस्ट्रूमेंट नंबर भी डिस्कस कर लिया। तो आज हम आपके साथ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस सेशन में हम लोग आपके साथ बैंकिंग फीचर्स में पोस्ट डेटेड चेक एंड चेक प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके साथ उसी कंपनी को ओपन करा जिसके अंदर हमने बैंकिंग फीचर्स के पहले दो ऑप्शन डिस्कस करे थे, जिसमें पहला आपका चेक था, मतलब बैंक रिकंसिलेशन था, और दूसरा आपका बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल था। अगर आप पोस्ट डेटेड टॉपिक को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पोस्ट डेटेड चेक का मतलब पता होना चाहिए कि पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है। सपोज आप मेरे पास आज माल लेने आए, मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल दे दिया, लेकिन आपने कहा कि सर मैं पेमेंट तो आज कर रहा हूँ, चेक बनाकर तो मैं आज आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चेक को 10 दिन बाद डालना, 4 दिन बाद डालना, 15 दिन बाद डालना, या जो वो डेट बताता है आप उस दिन के बाद डालना, क्योंकि सर मेरे अकाउंट में अभी पैसा नहीं है, मुझे किसी पार्टी से पैसा लेना है, वो पार्टी मुझे पैसा देगी, आप डाल देना। लेकिन मैंने उसे चेक तो आज बनाकर दिया, लेकिन उससे कहा कि चेक आप 15 दिन बाद डालना, तो उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। चेक मिल गया आज, लेकिन हमें जमा कब करना है, 15 तारीख को। तो इस सिचुएशन में हम इस टॉपिक का यूज करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को अनेबल करना चाहते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा अनेबल पोस्ट डेटेड चेक। बस आप इसको यस कर दें। जैसे ही आप इसे यस करेंगे, यस करने के तुरंत बाद आपको रिसीव और पेमेंट में टॉपिक मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा किसी ने मुझे चेक दिया कब, 22 तारीख को, चेक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 था। उसने कहा सर ये चेक आप आज ही डाल दो, तो मैं उसे रेगुलर कर दूंगा। उसने कहा नहीं सर आज मत डालना, इसको पीडीसी में ले लो। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक ले लो, मतलब आज चेक दे रहा हूं, लेकिन आप सर 1 मई को इस चेक को डालना, और 1 मई जब फ्राइडे, आप फ्राइडे को डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा पार्टी का नाम क्या है। उसने कहा सर पार्टी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मेरी पार्टी का नाम है महावीर टेक्सटाइल, ग्रुप में मैंने सन्ड्री डेप्टर्स ले लिया, मेंटेन बिल वेबल टॉपिक को मैंने नो कर दिया, और से उसने मुझे ये चेक कब का दिया है, 80,000 रुपए का चेक दिया है। मैंने यहाँ चेक नंबर लिखा और 1, 2, 3, 4, 5 करके इस चेक को सेव कर दिया। क्लियर। एक पार्टी और थी जिसने मुझे 25/4 को चेक दिया, चेक नंबर उसका था 5, 4, 3, 2, 1। इसने कहा सर ये मेरा पीडीसी चेक है, ये चेक आप ना प्लीज सर 5/5 को डाल देना, ठीक है। और उसका पार्टी का नाम यहाँ पर था हमारे पास महादेव, चलो मैं यहां से लिख देता हूँ, मोहित कुमार ट्रेडिंग कंपनी, ग्रुप में मैंने सन्ड्री डेब्टर्स माना, मेंटेन बिल वेबल टॉपिक को नो करा, और यहाँ पर इसने चेक दिया मुझे 35,000 रुपए का। मैंने यहाँ से चेक नंबर डालकर मैंने इसे चेक सेव कर दिया। लेकिन जब मैं ओल्ड प्लस एल करता हूँ और मोर एचडीएफसी बैंक लेता हूँ, तो आप देखना यहाँ मुझे वो एंट्रियाँ दोनों नहीं शो होंगी जो मैंने करी हैं। एक 80,000 रुपये की किससे करी थी, महावीर टेक्सटाइल से, ना वो एंट्रियाँ शो हो रही है, और जहाँ मोहित कुमार ट्रेडिंग कंपनी से हमने 35,000 रुपये का चेक लिया था, वो भी नहीं शो हो रही, क्योंकि वो पोस्ट डेटेड है। अगर आप चाहते हो कि आपको पोस्ट डेटेड एंट्रियां भी मिल जाए, तो आप जब ओल्ड प्लस एल करके किसी भी बैंक का लेजर देखे, तो प्लीज आप इस टॉपिक को अनेबल कर देंगे जिसका नाम होगा इंक्लूड पीडीसी। बस जैसे ही आप इसे इंटर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो एंट्रियां भी शो हो जाएंगी जो आपकी पोस्ट डेटेड वाली होंगी। और देखो यहाँ मैसेज भी मिलेगा, पोस्ट डेटेड चेक 1/5 और इसकी पोस्ट डेटेड चेक 5/5। क्लियर है। इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगी। साथ साथ आप इसकी बीजी के अंदर रिपोर्ट भी बना सकते हैं। कहाँ पर ये आपको बीजी के अंदर मिलेगा,
अकाउंट्स समरी के अंदर और यहीं कहीं होगा पोस्ट डेटेड डिटेल। आप जैसे ही पोस्ट डेटेड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपका बैंक का नाम क्या है। अगर आपका एक बैंक है तो हाँ एक बैंक ले लेंगे, और अगर आपके ऑल बैंक है तो आप ऑल बैंक पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही करेंगे जिस भी बैंक के टोटल अमाउंट जितना होगा वो आ जाएगा। अगर आपने कोई इश्यू करा होता तो वो यहाँ पर पीडीसी इश्यू में दिखता, और आपको कोई मिला है तो वो पीडीसी रिसीव में दिख रहा है। बस आपको इस पर इंटर मारना है। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो ये आपको बताएगा कि ये चेक की डेट क्या है। आपने कहा 1/5, तो मैंने यहाँ 1/5 लिखा। टाइप क्या, रिसीव, रिसीव लिखा। बिल नंबर कितना, 1, 2, 3, 4, 5। अकाउंट क्या है, मैंने कहा महावीर टेक्सटाइल, महावीर टेक्सटाइल, अमाउंट 80,000 रुपये। दूसरा पीडीसी कितना है, 5/5 का है, रिसीव हुआ है, चेक नंबर दिस इसका और 35,000 रुपये का। क्लियर है? अगर ये चेक सपोज अब क्लियर हो गए, मतलब आज 1/5 आ गए और मैंने इसे बैंक में डाल भी दिया, तो उस केस में मैं क्या, मैं एंट्री को दोबारा मॉडिफाई करूं? नहीं। तो सर मुझे स्टेटमेंट में कब दिखनी चाहिए, 22/4 को दिखनी चाहिए या 1/5? कॉमन सी बात है, आपने बैंक में डाला कब, 1/5 को दिखेगा कब, 1/5 को। तो अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो आपको मिसलेनियस यूटिलिटी में आना पड़ेगा, और यहाँ एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है रेगुलाइज पीडीसी। बस आपको रेगुलाइज पीडीसी पर क्लिक करना है, वन अकाउंट्स पर जाना है, और यहाँ से बैंक का नाम डालते हुए इंटर मारना है। सबसे पहले जैसे ही आप इंटर मारोगे आपको यहाँ से वो दोनों एंट्रियां दिखेंगी, जिसमें से आप पहली एंट्री को क्लिक करोगे। क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ से तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा। जब आप इसे रेगुलाइज पर क्लिक करोगे तो ये देखिए रेगुलाइज कन्वर्ट हो गया, और आप जब ऑल्ट प्लस एल करेंगे आप उसका महावीर का लेजर निकालेंगे या एचडीएफसी देखेंगे तो आपको एक बेनिफिट दिखेगा। जो चेक पहले 22/4 की थी, एंट्री हुई थी, डीजी ने उस डेट को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर 1/5 लिख दिया। कितना लिख दिया, 1/5 लिख दिया, क्योंकि ये एक्चुअली बैंक में इफेक्ट 1/5 को करेगा, लेकिन एंट्री आपने कितनी रखी, 22/4। लेकिन मैं कहता हूँ यार ये तो हो गया, अच्छी बात थी, लेकिन मुझे पता तो चले ये बिल मेरा कब डला था, मैंने कब एंट्री करी थी। तो उसके लिए जब आप इसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक टॉपिक होता है, लिखा होता है सेव चेक रिसीव डेट इन नरेशन। आप इस टॉपिक को यस कर दो तो आपको नरेशन मिलेगी, और साथ साथ सेव पीडीसी डेट इन नरेशन, इसे भी आप नरेशन में दिखाना है कि इसकी पीडीसी डेट क्या थी। साथ साथ अगर आप सिलेक्ट बैंक नेम फॉर रिसीव आप इसे यस करोगे तो यहाँ से आपका बैंक मिल भी, बैंक का नाम भी दिख जाएगा कि आप इसे किस बैंक में पैसा डाला, और जब आप इसे सेव करेंगे तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप ऑल्ट प्लस एल करें, मोहित का लेजर देखें, और जैसे ही आप मोहित का लेजर देखेंगे तो यहाँ तारीख तो रही 5/5, लेकिन नीचे एंटर बता रहा है कि चेक डेट 5/5 और रिसीव कब हुआ था, 25/4/2020 में, जिससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने चेक एंट्री कब की थी पहले और अब आपकी चेक की डेट क्या कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ मैं आपके साथ एक और एंट्री करता हूँ, और एक टॉपिक मुझे और बताना है। मैंने क्या करा, मैं रिसीव वाउचर में गया, मुझे 5/5 को जो एंट्री मिली थी उसका चेक नंबर ये था, और मैंने यहाँ पर पीडीसी कर दिया, और 10/5 को डालने को बोला, पार्टी का नाम मैंने मोहित रखा, और अमाउंट 85,000 रुपये का था, मैंने यहाँ चेक नंबर डाला, और इस तरीके से डालकर मैंने इसे प्रॉपर तरीके से सेव कर दिया। करने के बाद मैं दोबारा मिसलेनियस पे गया, मिसलेनियस के बाद रेगुलाइज पीडीसी पर गया, और इसके बाद मैंने यहाँ से वन अकाउंट लिया और इंटर मार दिया, वो एंट्री शो हो गई। मैंने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ देखना एक मैसेज आता है, रिटेन वाउचर डेट। रिटेन वाउचर डेट का मतलब ये है कि जो तुमने 5/5 में एंट्री करी थी वही डेट आ जाए। इसे रेगुलाइज पर क्लिक करो, ऑल्ट प्लस एल करो, मोहित का लेजर डालो, तो अब देखिए इसने रिटेन कर दी डेट। यहाँ आपको चेक डालना था 10 तारीख को और इसका रिसीव होता 5 तारीख को। आपने उस रिटेन वाउचर टॉपिक को जब इसने यस करा तो उसने इस डेट को तो रिप्लेस कर दिया और जो यहाँ डेट थी वही रखा। तो अगर आपकी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप वही डेट चाहते हो जो एक्चुअल एंट्री डेट थी, तो बस आपको इस वाउचर पर क्लिक करके
उसे सेव कर देना है और कुछ भी नहीं करना, बीजी उसे अपने आप कर देगा। क्लियर है? ये बात अगर क्लियर हो गई तो आपका पीडीसी ओके हो गया। अब इसके बाद जब आप ऑल टेल करोगे तो यहाँ पर ये पीडीसी इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? ये आपको बहुत ध्यान से और केयरफुली होकर करना है, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है पीडीसी के अंदर। जब भी आप किसी का लेजर देखें तो प्लीज आप इस टॉपिक को जरूर यस करें, इंक्लूड पीडीसी एंट्री। क्लियर है? इसके बाद आज हम जो आपके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है चेक प्रिंटिंग। आज हम आपको बताएंगे कि आप बीजी में चेक प्रिंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। चेक प्रिंटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेक प्रिंटिंग कहते किसको है। मान लो आप मेरे पास चेक लेने आते हो तो मैं चेक बनाता हूँ ना, उसमें आपका नाम लिखता हूँ, अमाउंट्स में लिखता हूँ और फिर सही प्रॉपर तरीके से बनाकर आपको देता हूँ। लेकिन आप जब देखते होंगे, जब कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या आपको ट्रॉफी मिलती है, तो वहां जो चेक नंबर होता है ना वो प्रिंट किया जाता है, कोई मैनुअली नहीं लिखता। आप किसी बड़ी कंपनी चेक लेने जाओ, वो मैनुअली नहीं लिखते, वो चेक प्रिंट करके देते हैं जिस पर आपका नाम भी कंप्यूटराइज प्रिंट होकर आएगा। आपका जो अमाउंट होगा वो भी कंप्यूटराइज प्रिंट होके आएगा कि जितने रुपीज होंगे वो इंग्लिश में लिखे होंगे और कंप्यूटराइज लिखे होंगे। आप भी चाहते हो कि जब भी मैं बीजी को सेव करूं या मैं किसी को पेमेंट करूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे चेक के ऊपर प्रिंट होकर जाए, या मैं चेक पर मैनुअली चीजों को फिगर नहीं करना चाहता, तो उस केस में आप चेक प्रिंटिंग टॉपिक का यूज कर सकते हैं। चेक प्रिंटिंग को अनेबल करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर ऑप्शन में आना है, अकाउंट्स में जाना है और आपको लास्ट मिलेगा अनेबल चेक प्रिंटिंग। बस आप इसको सेव कर दें। जैसे आप इसको सेव करें तो आप अपने सबसे पहले चेक लें, जो भी आपका जिस भी बैंक का चेक है आप उस चेक को लें। चेक लेने के बाद आप उसे क्या करें, उसका नापें, उसकी हाइट भी नापें और उसकी विड्थ भी नापें, ताकि आपको चेक की एक्चुअल हाइट और एक्चुअल विड्थ पता चल जाए। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, आपको किस में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा चेक प्रिंटिंग। बस आपको चेक प्रिंटिंग पर आना है, एड पर जाना है और जो भी आपका चेक का नाम पसंद है वो लिख, मैंने लिख दिया पीएनबी चेक फॉर्मेट और इंटर मार दिया। जैसे ही मैंने इंटर मारा तो यहाँ से मुझे डिटेल मिल गई। इसके बाद मैं कॉन्फ़िगर पे गया, अच्छा सिलेक्ट स्किल मोड प्रिंटिंग, इंचेस है इंचेस डाला, अच्छा टॉप से कितना छोड़ के आए, लेफ्ट से कितना छोड़ के आए, इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है और आपको ये डाल देनी। ये आपको जरूर करना है। जैसे ही आप उसको सेट करोगे ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो यहाँ पर डेट आ जाएगी, जिसको चेक दोगे ठीक है, जिसको आप चेक दोगे उसका नाम आ जाएगा, अमाउंट इन वर्ड लाइन 1 आ जाएगी, अमाउंट वर्ड लाइन 2 आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगा और अकाउंट पे ही चेक आ जाएगा। और इसके बाद आप इसमें कुछ और करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन चेक में इतनी चीजें ही सफिशियंट होती है और हम इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। फिर यहाँ से भी हम सेव कर देंगे, इसके बाद हम क्विट करेंगे और यहाँ एक बैंक बनाएंगे, जिस भी नाम से आपको बैंक बनाना है। मैंने लिख दिया पीएनबी बैंक, मैंने यहाँ से पीएनबी बैंक डाल दिया, ग्रुप में बैंक अकाउंट लिया और साथ साथ नीचे जाकर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा अनेबल चेक प्रिंटिंग। आप इसको यस करोगे, अपने चेक का नाम डालोगे, क्या डिफॉल्ट चेक फॉर्मेट पीएनबी चेक फॉर्मेट, आप इसको यस कर दो और इसके बाद इसे सेव कर दो। मैंने सेव कर दिया, इसके बाद मैं पेमेंट में आया और अब मैं एक पार्टी को पेमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पर डेट डाली, यहाँ से रेगुलर रखा, पार्टी का नाम मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कितने का 15,000 का चेक दिया है, यहाँ से चेक नंबर डाला। और देखो जैसे ही मैं यहाँ से पीएनबी लेकर सेव करूंगा तो मुझसे पूछेगा प्रिंटिंग चेक, लिखा है प्रिंट चेक फॉर बैंक पीएनबी फॉर्मेट दिस। जैसे ही इंटर मारूंगा देखिए यहाँ पर मेरे पीएनबी
चेक फॉर्मेट आ गया, यहाँ डेट आ गई, और जैसे ही मैं इस पे इंटर मार के इसको प्रीव्यू करूंगा तो मुझे इस तरीके से निकल के आएगा, जिसमें मेरी डेट आ जाएगी 16/4/2020, मेरे पास पार्टी का नाम आ जाएगा पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 15,000 रुपीज आ गया, ठीक है, 15,000 ओनली आ गया, अकाउंट पे ही चेक आ गया और ये नेम आ गया। जब आप इसे प्रिंट निकालेंगे तो हो सकता है 19-20 हो, फिर आपको सेट भी करना पड़े, तो आप यहाँ से धीरे धीरे करके सेट करें। लेकिन जब भी आप चेक निकालें तो सबसे पहले एक कैंसिल चेक लें और इसी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करें। इसके बाद आगे चलते हैं। पता है मैंने यहाँ पर जो पीएनबी का फॉर्मेट इसलिए फिक्स करा था ताकि जब ये किसी भी पेमेंट वाउचर को सेव करे तो बिजी हमसे पूछे कि डू यू वांट टू प्रिंट, क्या आप उस चेक का प्रिंट निकालना चाहते हो। सर क्या ये रिसीप पर आएगा या पेमेंट पे? ये ओनली पेमेंट पे होता है। आप बताओ आप चेक किसको इश्यू करते हो? पेमेंट में तो इश्यू करते हो, रिसीप में तो चेक आपको मिलते हैं। तो ये टॉपिक किन के लिए बना है? ये उन लोगों के लिए बना है जिनको आप चेक इश्यू करते हो। क्लियर है? इसके बाद अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, चेक प्रिंटिंग पे आएंगे और यहाँ से चेक फॉर्मेट में जाने के बाद अगर हमें चेक के अंदर कुछ 19-20 लगेगा तो इसको इस तरीके से उठाएंगे, हल्का सा ऊपर नीचे करके इस तरीके सेट करेंगे और फिर सेव कर देंगे ताकि ये उस तरीके से हो जाए। दूसरा, आप चाहते हो नहीं सर मैं पेमेंट करते वक्त नहीं मैं इकट्ठा निकालना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते। आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस पे आना है, प्रिंट यूटिलिटी पर जाना है और सबसे नीचे मिलेगा चेक प्रिंटिंग, बस आपको चेक प्रिंटिंग पर क्लिक करना है, बैंक का नाम टाइप करना है, फॉर्मेट का नाम सिलेक्ट करना है और जो भी आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट बताओगे वो सारे चेक आपको शो हो जाएंगे, आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से प्रीव्यू दे देना है। तो आपके एक बार में जितने चेक होंगे वो सारे इस तरीके से शो हो जाएंगे। दूसरा, आज हमारा ये चेक प्रिंटिंग टॉपिक फिनिश हो गया। वैसे मेरे पास 10 तरह के फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए हैं जो हर बैंक के स्पेसिफाई है, जैसे पीएनबी का अलग से हमने बना कर रखा है जो बाय डिफॉल्ट है, आईसीआई का बना के हमने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ, मतलब एस पर जो मैक्सिमम बैंक चलते हैं मार्केट में उन सभी के हमने फॉर्मेट बना रखे। अगर आप लोगों को उनकी नीड होगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे बाजार में 1500 रुपये की कोर्स होती बनाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।